एवरीवन, एक नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डाल्टनगंज, और डाल्टनगंज में एक दुबियाखड़ जगह है जो कि रांची रोड पे पड़ता है। डाल्टनगंज से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे दुबियाखड़ पड़ता है। तो यहाँ पे जो है 11 और 12 फरवरी को हर साल 11 और 12 फरवरी को आदिवासी महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि काफी भव्य तरीके से किया जाता है। और झारखंड में मतलब बोला जाता है ये आदिवासी जो मेला है काफी बड़ा होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग वहीं पे चल रहे हैं, और ये जो मेला है राजा मेदिनी राय की याद में लगाया जाता है। और जो मेदिनी राय थे ये कौन थे, तो ये जो पलामू के है महाप्रतापी राजा थे, और उन्हीं के नाम पे जो डाल्टनगंज का नाम है मेदिनी राय पड़ा है। और उसका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहीं पे पलामू किला भी है, बेतला के पास एक पलामू किला है जो कि राजा मेदिनी राय का ही किला था। तो उन्हीं के याद में ये आदिवासी महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं मेला में, और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस बार का जो मेला है कैसा लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो मेला है हर साल 11 और 12 फरवरी को लगाया जाता है। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे इस टाइप का कैसा यहाँ पे इस बार का मेला लगा हुआ है। झूले वगैरह शॉप वगैरह कैसे यहाँ पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे हर साल मिनिस्टर वगैरह आते हैं मतलब ओपनिंग के लिए, उद्घाटन के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि इस बार का जो 2024 का जो मेला है आदिवासी विकास महाकुंभ मेला वो कैसा लगा हुआ है। तो ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक बन रहिएगा, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। Two hours later. तो फिलहाल गाइस हम लोग मेला में आ चुके हैं, और बाइक को पार्किंग में लगा दिया, और पार्किंग का हम लोगों को पड़ा 30 रुपया। और देखिए मैया भी साथ में आई हुई है, और इधर देखिए इधर हम लोग पार्किंग लगाए हुए हैं, और इस साइड में हम लोग गाड़ी लगाए हैं। मैया भी आई है, तो मैया से पूछते हैं मैया को कैसा लग रहा है। हेलो गाइस, हम मेला आए हैं, आप लोग का दिन आना चाहिए था, सुबह आज आना चाहिए, आओ कल आएगा, और यहाँ हम लोग गाड़ी भी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे मेला शुरू हो गया है, इधर देखिए, और इधर हम लोग बाइक को पार्क में लगा दिए हैं, और यहाँ से हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे झूला वगैरह भी शायद लगे हुए हैं, तो वो भी दिखाएंगे, टोटल चीज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। इस साइड में देखिए झूले वगैरह इधर लगे हुए हैं, और इधर से अभी हम लोग मेन ग्राउंड में चलेंगे जहाँ पे जो फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे भी अभी हम लोग चल रहे हैं। तो फिलहाल गाइस देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं शॉप वगैरह आप लोगों को बढ़ता जा रहा है, दिखता जा रहा है ज्यादा आप लोगों को। फिलहाल गाइस यही देखिए यहाँ पे एंट्री देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, काफी अच्छा ये लग रहा है, फूल से सजा हुआ है। और अभी हम लोग सामने चलेंगे जहाँ पे मेदिनी राय का प्रतिमा बना हुआ है, वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे आप लोगों को पहले दिखाते हैं। देखिए लोग इसमें भी प्रतिमा में क्या बोलते हैं माला वगैरह पहना के, और ये देखिए ये जो एरिया इधर से आप लोग नेतरहाट चले जाइएगा, देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है ऊपर में, और नेतरहाट, और ये जो रोड है ये आप लोगों को चला जाएगा रांची रोड, रांची से चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेला में, किधर इन लोगों भी है वेट कर रहा है यहीं पे है। फिलहाल ये देखिए एंट्री गेट बना हुआ है, इससे भी हम लोग इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद जहाँ पे मेन फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे भी हम लोग चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसा अंदर का व्यवस्था किया हुआ है। इससे अंदर चलते हैं, गाइस देखिए इंटरेस्ट है, इसी से हम लोग अंदर अभी जा रहे हैं। और अभी शायद डीसी वगैरह अभी शायद आए हुए हैं, ये मैया के आते आते भूख लग जाता है। दिखा रखा खा रही है, दिखा 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 क्या चीज है। और ये है कुछ सामने का सीन जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग जो ड्रेस होता है उसमें आए हुए हैं। देखिए अभी ओपनिंग अभी नहीं हुआ है, ओपनिंग इधर होगा, सभी देखिए स्टेज में सभी आए धीरे धीरे, आदिवासी राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला, और ग्राउंड यहाँ पे काफी बड़ा ये मेला लगता है जो कि आप लोग देख सकते हैं। इतना ग्राउंड देखे, ये सब सिर्फ प्रोग्राम के लिए ग्राउंड बना हुआ है, इतना देखिए शादी हो रहा है सबका, कन्यादान, ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वाला है ना उसी वाला। हमारे राष्ट्रीय आदिवासी महाकुंभ के तत्वाधान में ये खूबसूरत कार्यक्रम हर वर्ष 11 और 12 फरवरी को आयोजित किया जाता है, जो कि आज शुरुआत हो रही है। आज इस कार्यक्रम यही पूरा यहाँ का सीन है। अभी थोड़ा मेला अभी स्टार्ट होने में समय है, अभी उद्घाटन नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखिए पूरा देखिए यहाँ पे चारों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, और इस साइड में देखिए और सामने में देखिए, और ये जो पूरा है यहाँ पे फंक्शन वगैरह होता है, जैसे कुछ देर में भी फंक्शन शुरू होगा,
और ये देखिए सामने में यहाँ पे स्टेज बना हुआ है, तो यहीं पे पूरा प्रोग्राम होता है भाजी। बाहर में तो आप लोगों को मेला दिख रहा था, मेला बाहर में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो शादियाँ वगैरह होता है वही यहाँ पे हो रहा है। और देखो सामने यहाँ पे इस साइड से शॉट लिया जा रहा है। और ये देखिए, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे नहीं, देखिए पूरा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या चीज का है, जोनल रिसर्च स्टेशन यहाँ की पलाम साइड से गए। जब हम लोग निकलते हैं बाहर, ये देखिए यहाँ पे एग्जिट बना हुआ है, इधर से बाहर अब हम लोग हो रहे हैं। और अब बाहर आप लोगों को मेला दिखाते हैं, घुमाते हैं। देखिए पूरा दुकान लगा हुआ है, बच्चा लोगों को यहाँ पे चूड़ी है ना, चूड़ी है। इधर पूरा शॉपिंग के लिए इधर लगा हुआ है शॉप वगैरह, इधर आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये कल तक ही मेला रहेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा आप लोगों को आने का अगर टाइम मिलता है तो आ भी सकते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है, और हम लोग प्रोग्राम वगैरह नहीं देखेंगे क्योंकि हम लोगों को हो रहा है लेट। देखिए LCD वगैरह लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए यही मेन अखाड़ा है, इसमें लोग डांस करेंगे अभी कुछ देर में, अभी थोड़ा सा टाइम है। ये देखिए मेन अखाड़ा है, इधर देखिए स्टेज वगैरह बना हुआ है इधर। हम लोग मेला से आ चुके हैं बाहर, और इधर जो है झूला वगैरह लगा हुआ है, तो झूला वगैरह चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सा यहाँ पे झूला आए हुए हैं, कितना टिकट वगैरह है, चलिए देख लेते हैं। इस साइड में देखिए झूले वगैरह, और क्या ब्रेक डांस भी है शायद, सामने में देखिए ब्रेक डांस भी है, और नाव भी है, और ट्रेन भी है, टोटल चीज तो लगभग है ही जो रहना चाहिए। देखते हैं झूला का कितना टिकट है, क्योंकि ये मेला 2 दिन रहता है, तो यहाँ पे टिकट हाई फाई तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 2 ही दिन में जितना हो सकता है अर्निंग किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपया का टिकट है, 50 रुपया टिकट है ये झूला का। और सामने में है ब्रेक डांस, उसको देखते हैं ब्रेक डांस का कितना, ब्रेक डांस का भी शायद 85 रुपया होना चाहिए टिकट। फिर ट्रेन है, ट्रेन का शायद 40 रुपया टिकट है, और ये बच्चे लोगों के लिए है, और ये जो है झूला है ये भी 40 रुपया है, नाव झूला भी 40 रुपया, बाकी वो जो दोनों है वो 50-50 रुपया है, बाकी ये 40 रुपया। तो आप लोग देख सकते हैं झूला इस टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है, सामने में मेला लगा हुआ है। फिलहाल गए जब हम लोग यहाँ से चलेंगे मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को उतना मतलब अच्छा नहीं लगता है खाने के लिए, तो मार्केट तरफ निकल के कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ कुछ खाएंगे, या फिर मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट घर पर। तो फिलहाल गए आ चुके हैं हम लोग रूम पे, और काफी ज्यादा शाम भी हो चुका है, तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। और इस बार का जो मेला है लास्ट ईयर से काफी अपग्रेड है, क्योंकि अगर लास्ट ईयर का अगर ब्लॉग आप लोग मेरा देखिएगा तो उसमें थोड़ा इसके से मतलब उससे और ये मतलब थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है, 2023 और 2024 में अंतर पड़ा है, और मेला काफी भव्य तरीके से लगा हुआ है, और यहाँ पे जो सजावट वगैरह भी है मैंने आप लोगों को दिखाया था काफी अच्छा किया हुआ था। और ये जो मेला है 11 और 12 दो तारीख मतलब 2 दिन ये चलता है, 11 फरवरी और 12 फरवरी को, और ये जो मेला
है रांची रोड में आप लोग जाइएगा, डाल्टनगंज से रांची रोड में जाइएगा तो दुबिया खार जगह है, वहां से आप बेतला और पलामू किला भी जा सकते हैं, वहीं से जाते हैं तो वहीं पे ये मेला लगा हुआ है और राजा मेदिनी राय के याद में लगाया जाता है। और आप लोगों को जितने भी मेले से रिलेटेड जानकारी होंगे, चाहे राजा मेदिनी राय के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो उसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोग यहां पे आना चाहते होंगे मेला में तो आप लोग दो दिन, ये 12 फरवरी तक चलेगा तो 12 फरवरी तक आप लोग आके देख सकते हैं। तो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को कीजिएगा लाइक, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। जब तो ही खोसे हैं जूही फूल जुड़ा में गजब देखा है के।